कबीर उसमें फौलाद शक्ति है उसमें स्वदेश की भक्ति है वह युद्ध के रुख को बदल देता दुश्मन को बल में मसल देता फादार वो सूरवीर सबका है यार उत्साही सूरमा परम वीर रक्षक सब कारण धीर वीर हिम्मत वाला साहस वाला योद्धा सबका है महाराज की जय हो। प्रणाम महारानी साहिबा। कहिए महामंत्री जी, कैसे आना हुआ? महाराज, कुछ शंकाओं को लेकर पूरे राज्य में अफवाहें फैल रही हैं। यहां तक कि सभासद भी आपस में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। विस्तार से बताइए महामंत्री जी। महाराज, ये अफवाह आग की तरह फैल रही है कि राजगुरु की हत्या कर दी गई। उधर काल भैरव के अचानक गायब हो जाने से लोग तरह तरह के अनुमान लगा रहे हैं। फिर आपके दरबार में न आने से इन अफवाहों को और बल मिल गया। सभासद आपस में पूछ रहे हैं कहीं युद्ध तो नहीं होने वाला। इन्हीं प्रश्नों में तो हम भी उलझे हुए हैं महामंत्री जी। समझ में नहीं आता कि काल भैरव और राजगुरु हमें इस तरह छोड़कर कहां चले गए और क्यों चले गए। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो उनकी खोज में हरकारे भिजवा दिए जाएं। महाराज की जय हो। महामंत्री जी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्षमा करें महाराज, दक्षिणी क्षेत्र में एक नरभक्षी यति ने उत्पात मचा रखा था। कई लोग मारे जा चुके थे। प्रजा की पुकार सुनकर मैं तुरंत वहां पहुंचा। क्षमा करें महाराज, रात्रि का समय होने के कारण मैं आपकी आज्ञा ना ले सका और मैंने वहां पहुंचकर उस नरभक्षी यति को मार डाला। बहुत अच्छे, हम प्रसन्न हुए काल भैरव। जिस तत्परता और बहादुरी से आपने हमारे दक्षिण प्रांत की प्रजा के कष्ट दूर किए वो सराहनीय है। महाराज, अब हम एक दायित्व और आपको सौंपना चाहते हैं। आप पता लगाइए कि हमारे राजगुरु दत्तात्रेय और उनकी पुत्री कहां चले गए और क्यों चले गए। हमारी प्रजा की शंकाओं के समाधान के लिए अत्यंत आवश्यक है और यह कार्य आप तुरंत कीजिए। आप निश्चिंत रहें महाराज, काल भैरव के रहते हुए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजगुरु को ढूंढ निकालने में काल भैरव कोई कसर नहीं छोड़ेगा महाराज। महामंत्री जी, आप कुछ और कहना चाहते हैं? जान की क्षमा चाहता हूं महाराज, लेकिन उस यति का शिकार काल भैरव ने नहीं किया। क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूं महाराज, हमारे दक्षिण क्षेत्र के गुप्तचर से खबर मिली कि उस यति का शिकार हमारे राज्य के वफादार स्वर्गीय वीर भाव के पुत्र विराट ने किया। विराट ने? तो फिर काल भैरव के झूठ बोलने का कारण? इसका कारण मैं आपको बताती हूँ महाराज, इसका कारण है आपके विश्वस्त सेनापति काल भैरव। महारानी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं सच कह रही हूँ महाराज,
काल भैरव हमारा भाई अवश्य है, किंतु आपने उसे बिगाड़ दिया है। उसकी मनमानी का ये हाल है कि उसने राजगुरु की पुत्री मीनाक्षी पर बुरी नजर डालने की चेष्टा की। बस महारानी बस, सब कुछ हमारी समझ में आ रहा है। राजगुरु हमें छोड़कर इसलिए चले गए क्योंकि हमने हर बार काल भैरव का पक्ष लिया। काल भैरव पर लगातार आरोप लगते रहे तो हमने उनकी सत्यता तक पहुंचने का प्रयत्न नहीं किया। बहुत बड़ी भूल हुई हमसे। किंतु महारानी, आपको इसके बारे में कैसे पता चला? अपनी दासी तारा द्वारा। जब हमें पता चला तो आपको सावधान करना हमने अपना धर्म समझा महाराज। महारानी, आपने तो अपने धर्म का पालन किया, अब हमें अपने धर्म का पालन। आज से हम जब भी न्याय करेंगे भूल जाएंगे कि काल भैरव आपका सगा भाई है। राजगुरु के अपमानों का निर्णय करते समय हम दोषी सांप के फन को कुचल डालेंगे। काश इस विकट समय में हमारे वीर बाहु का पुत्र विराट हमारे साथ होता। सेनापति जी, आप अपनी दासी को बताएंगे कि विराट कौन है? चित्रा, किसके मुंह से सुना है तुमने ये नाम? बता मुझे फौरन। सेनापति जी, विराट नाम का शख्स आपके लिए बहुत अहमियत रखता है, और ऐसे शख्स के बारे में ये दासी इनाम के बगैर कुछ नहीं बताने वाली। चित्रा, तू एक दासी है, इस राजमहल में सेवा करने के बावजूद भी दासी रहेगी। चतुरा, सेनापति से चतुराई करने की कोशिश मत कर, अपनी जान को जोखिम में मत डाल। सेनापति जी, राजमहल का गुप्त रहस्य अगर मैं आपको बताऊंगी तो महाराज मेरे प्राण ले लेंगे, और अगर आपको नहीं बताऊंगी तो आप मेरी जान ले लेंगे। जान तो मेरी जानी ही है, तो क्यों ना इनाम लेकर ही मरो। चतुरा, तू बाज नहीं आई, तेरी चतुराई का इनाम। अब बता उसका नाम। सेनापति जी, महाराज कह रहे थे ऐसे विकट समय में विराट उनका सहयोगी होता तो उन्हें बहुत बल मिलता। और क्या कह रहे थे महाराज? मैंने तो बस इतना ही सुना सेनापति। तो विराट की ख्याति महाराज तक पहुंच गई। हो सकता है महाराज विराट को संपर्क करने का प्रयत्न करें, लेकिन यह तभी संभव है जब विराट राजधानी में प्रवेश कर सकेगा। काल भैरव के रहते हुए यह असंभव है, क्योंकि काल भैरव द्वारा खड़ी की गई बाधाओं को पार करना इतना आसान नहीं है। विराट, हमारे पुरखों ने हमेशा सच्चाई के माथे पर तिलक किया है। दक्षिण प्रांत में हमारे पिता ने कभी अन्याय के सामने अपना सर नहीं झुकाया। आज तुम राजधानी जा रहे हो, ये बात कभी मत भूलना कि विजेता अपना इतिहास अपने कर्म से लिखता है। भैया, आपने अपने विराट को ऐसी चट्टान बनाया है जिस पर विराट के अलावा अपनी विजय का इतिहास कोई और नहीं लिख सकता। भैया, मेरे सर पर तो सदा आप ही की छांव रही है, मैं उसी छांव के सहारे जा रहा हूं। भैया, सुना है राजधानी जाने वाले उस रास्ते को भूल जाते हैं जिस पर उनका अपना घर होता है। वहां तो तुमसे कोई कुछ कहने सुनने वाला भी नहीं होगा। तुम अपना ध्यान रखना विराट, समय पर खा लिया करना। अरे भाभी, मैं कोई लड़ाई के मैदान थोड़े ही जा रहा हूँ, राजधानी जा रहा हूँ, वो भी राज दरबार में। देखो, वहां मेरे खाने का ध्यान पूरा दरबार करेगा।
रहने दे रहने दे, जैसे हम तुझे भूखा रखते हैं। हाँ अच्छा ये ले, इसमें कुछ पूड़ियां हैं, रास्ते में खा लेना। अरे वाह, जिसकी यात्रा में भाभी के हाथ की बनाई हुई पूड़ियां हो वहाँ कोई भूखा कैसे सो सकता है। अच्छा अच्छा मुझे बहकाने की कोशिश मत कर, और सुन जाते जाते सुनैना से मिल लेना, वो तेरी मंगेतर है। अच्छा भाभी, अच्छा भैया जा रहा हूँ। अपने विराट को जीवन की इस नई यात्रा के लिए आशीर्वाद दीजिए पुजारी जी। अपनों से बड़ी आस और सपनों से बड़ा छल इस संसार में कोई नहीं है विराट। तुम राजधानी जाकर महाराज को बताना कि दक्षिण प्रांत की यह भूमि आज भी तुम्हारे जैसे बलवान और स्वामी भक्त योद्धाओं को जन्म देती है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ। विराट तुम्हारे आंसुओं से नहीं तुम्हारी मुस्कुराहट से बंधा है सुनैना। मेरी मुस्कुराहट तो अब तुम्हारे साथ जा रही है। मेरे साथ तुम्हारी मुस्कुराहट नहीं तुम्हारे सपने जा रहे हैं सुनैना, जिसे मैं संजो कर रखूंगा। देखना राज दरबार में हमारे विराट का कितना भव्य स्वागत होगा। राजगुरु का यह खाली आसन हमारे लिए एक प्रश्न बनकर रह गया है, एक ऐसी पहेली जिसके जवाब पर संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। पूरे 14 दिन बीत चुके हैं लेकिन आपके पास अब भी उनकी जानकारी के बारे में कोई सूचना नहीं। आखिर कब तक हम अपने हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे? मैं पूछता हूं आखिर कब तक? महाराज, राजगुरु को ढूंढने में हमारे गुप्तचरों ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। चारों दिशाओं में खोज जारी है और हम बहुत जल्द राजगुरु को ढूंढने में सफल हो जाएंगे। तुम्हारी सफलता असफलताओं की सूचनाओं के तले अपना दम तोड़ रही है। अपनी पुत्री मीनाक्षी के साथ राजगुरु का इस तरह गायब हो जाना हमारे राज्य के विवेक का गायब हो जाना है, हमारे राज्य के सम्मान का अपहरण है, और हमें तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। निस्संदेह हमारा कोई अपना ही हमारी पीठ के पीछे अपने हथियार तेज कर रहा है। राजगुरु हमारी चिंता का विषय अवश्य है महाराज, किंतु मेरे रहते हुए राज्य में शांति और व्यवस्था को कोई खतरा नहीं है महाराज, कोई खतरा नहीं है। हमें अंदर आने दो, हमें क्यों रोक रहे हो? अंदर आने दो, हमें अंदर। कौन है उधर? कुछ दुखियारी औरतें आई है महाराज, जबरन महल में घुस आई है, आपसे मिलना चाहती है। उन्हें दरबार में उपस्थित करो। Oh,
अन्याय हो रहा है महाराज, आपके राज्य में अन्याय हो रहा है। हम गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है महाराज, कोई नहीं। हमारा जीना तुबर हो गया महाराज, हम बर्बाद हो गए महाराज, हम बर्बाद हो गए। जो कुछ कहना है स्पष्ट कहो, बोलो बोलो बताओ। क्या हमारे सिपाहियों, डरो मत, बताओ क्या किया उन्होंने? आपके सिपाही मेरी जवान बेटी को उठाकर ले गए महाराज। आपके सिपाहियों ने हमारा घर लूट लिया महाराज। आपके सिपाहियों ने मेरी जवान बेटी की जान ले ली, मार दिया उसे। सेनापति जी महाराज, आप हमारे कक्ष में। सेनापति, क्या यही आपकी शांति और व्यवस्था का जीता जागता प्रमाण? क्या यही आपकी बहादुरी का अनूठा उदाहरण? हम पूछते हैं, यदि आपके रहते राज्य की सुरक्षा और सम्मान का यह हाल है, तो हम अपनी प्रजा को सुरक्षा का कौन सा कवच पहनाएंगे? किंतु महाराज, सेनापति याद रहे, यदि स्थिति में जल्दी सुधार नहीं हुआ तो अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए हम आप और हमारे बीच की सीमाओं को हमेशा के लिए तोड़ देंगे। हम अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और हमारा आदेश है आप जल्दी से जल्दी पता लगाइए कि राजगुरु कहां है, जाकर देखिए अपने सैनिकों को हमारे राज में क्या गुल खिला रहे हैं वो। जो आज्ञा महाराज। दुर्जन, राजगुरु और उसकी पुत्री मीनाक्षी की तलाश हमें महाराज के लिए नहीं करनी है, अपने लिए करनी है दुर्जन, अपने लिए। मैं जानता हूं सेनापति जी, राजगुरु और उनकी पुत्री मीनाक्षी का मिलना आपके लिए कितना आवश्यक है मैं अच्छी तरह जानता हूं। आप सुंदरगढ़ के भावी महाराज हैं और मीनाक्षी आपकी भावी महारानी। भावी महारानी को आपके सामने उपस्थित करूंगा, तभी तो मैं भी भावी सेनापति बनूंगा महाराज। दर्जन, तुम बहुत चालाक और चतुर, लेकिन मेरे वफादार। मैं तो आपका सेवक हूं सेनापति। तो जाओ दुर्जन, अपने आदमियों को चारों तरफ दौड़ा दो, मुझे राजगुरु और उसकी पुत्री मीनाक्षी चाहिए। जाओ। जो आ गया सेनापति। दक्षिण क्षेत्र यहां से अधिक दूर नहीं है। थक गए बेटे, वहां के काली मंदिर में मेरा एक मित्र है, वो वहां का पुजारी है, वो मेरे गुरुकुल का सहपाठी था, मेरा साथी, उसकी एक बिटिया भी है सुनैना, वो तुम्हारी उम्र की होगी बेटे। बेटे, राज्य के सिपाही हमारी तलाश में है, इसे पहले कि वो हमें देख ले हमें तुरंत यहां से निकल जाना चाहिए। चलो बेटे, चलो चलो, अच्छा।